नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों दोस्तों अगर आप अभी जब मौसम चेंज हो रहा है सर्दी का, जब आप नए पौधे लगाने चाहते हो तो आप नर्सरी में से कौन से पौधे लेके आए और उनको कैसे लगाएं और सर्दी में उनको कैसे बचाएं? और दोस्तों मैं वो पौधों की आपको जानकारी दूंगा। और ये कुछ पौधे मैंने बताए, कल एक भाई साहब हमारी नर्सरी में आ गए और उनको 20-22 गमले की ज़रूरत थी, उसमें उन्होंने हमारे से खूब बात करी और मैंने उनको पूरा नॉलेज शेयर किया, मगर उनको ये पौधे पसंद आए। दोस्तों ये देखिए, वो बोले अंकल हमें गैलरी में रखने हैं, हमारा बहुत बड़ा हॉल है, मैं वहाँ रखूँगा। और ये देखिए, मैंने उनको इसका सजेशन दिया है कि आप ये पौधे लगाइए, इनको आप हल्की धूप हल्की छाया में रखिए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए तो ये आपके बगीचे में खूब खिलेंगे। और दोस्तों उस भाई से हमारी एक जिद होगी, मैंने बोला कि भैया इसमें से कुछ पौधे 12 इंच पोट में लगवाइए, तो वो बोल रहे हैं अंकल हमें 10 इंची चाहिए। तो कुछ पौधों के लिए ना दोस्तों 10 इंची गमले छोटे पड़ जाएंगे, मगर वो माने नहीं, तो हम क्या करें, हमारा काम था राय देना, हमने राय दी। अब इसमें 12 इंची के आधे पौधे हैं और 10 इंची के कम हैं। तो दोस्तों अगर इन पौधों को हम आपके कमेंट में ये मत करना कि ये पौधा आपने छोटे गमले में लगा दिया, तो ये जैसी कस्टमर की इच्छा थी मैंने उसके अनुसार लगा दिया, मगर मैंने उनको बताया कि आप इसकी रिपोर्टिंग पक्का कर लेना अगर आप आज छोटे गमले में लगा रहे। और देखिए दोस्तों क्या शानदार पौधे हैं, दिवाली से पहले अपने घर को सजाना चाहते हैं तो मैंने बहुत सी राय दी, मगर उसको पसंद ये आए और ये मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। और ये ठंड में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी आसानी से चलेंगे। और दोस्तों यही वो मिट्टी है जो गौशाला से हम मंगवाते, इसी में भरूँगा। और मैंने उनको बोला है कि 6 महीने इसमें खाद नहीं डालना। हम आपको इन पौधों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, इसको कैसे लगाना है, कैसे खाद पानी डालना है और किस हिसाब से लगा के इनको रखना है, तो मैं छोटी छोटी इनकी जानकारी दूंगा और फिर मैं इकट्ठे लगा के दोस्तों आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी एकदम से पूरी ऐसे लगा लगा के दिखाऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि आपने ये ले लिया आपने, ये इसको हम तो कोयल बोलते हैं, आप क्या बोलते हो आप हमें बताना। तो ये देखिए इसको मैं 10 इंची पोट में लगाऊंगा। इसको सर्दी में क्या करना है, इसको सर्दी में पानी कम डालना है, धूप में रखना है, हल्की धूप छाया में भी चलेगा, ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे तो ये गल जाएगा सर्दी में, इसको पानी का ध्यान रखना है क्योंकि ये पानी तो इसके पत्तों में ही होता है। ये 10 इंची गमले में लगेगा दोस्तों, इसको 12 इंची में लगाने की जरूरत नहीं, इसको 8 इंची में भी लगा सकते हो, 6 इंची में, लास्ट एंड इसका 10 इंची है, 10 इंची बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत शानदार रहेगा। और दूसरा पौधा स्पाइडर, दोस्तों इसको अगर आप अभी लगाते हो ना, खाद कम डालिए, पानी कम डालिए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए और इसको भी आप छाया में रखिए, धूप में रखिए, मिट्टी सूखे जब पानी दे दिए, ये बहुत शानदार चलेगा। और इसको भी आप 6 इंची से लेकर 10 इंची तक कहीं भी किसी भी साइज के गमले में लगा सकते हो, 10 इंची से बड़ा मत करना, ये 10 इंची गमले में आसानी से भर जाएगा। स्पाइडर प्लांट बहुत शानदार पौधा है, आसानी से लगाइए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए। रेफिश पाम दोस्तों, ये रेफिश पाम है, परमानेंट पौधा है, पूरा साल हरा भरा रहता है, हर मौसम में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, गर्मियों में भी सर्दियों में भी हरा भरा रहता है, इसमें दिक्कत थोड़ी आती है, इसके पत्ते जड़ थोड़े थोड़े ये ब्राउन से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये ना ये पौधा आप 12 इंची में लगा करो, क्योंकि 12 इंची में इसको जगह ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसकी ग्रोथ फास्ट है। और दोस्तों इसको मैं लगाऊंगा 10 इंची में, क्योंकि वो 10 इंची बोल के गए हैं, तो मैं उनको राय दी है कि आप इसको 12 इंची में लगाइए, हम अभी 10 इंची में लगाएंगे, इसको आप 12 इंची गमले में लगाइए, छोटे में लगाओगे तो छोटा रहेगा। और ये देखिए दोस्तों संगोनियम, इसको आप सभी जानते हैं, इसको आपने क्या करना है, इसको 6 इंची से लेके 12 इंची तक पोट में लगा सकते हो, खूब अच्छा फैलेगा और मनी प्लांट की तरह बेल बन जाती है। सर्दियों में इसमें पानी कम डालें, खाद कम डालें, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाएगी, पौधा हरा भरा रहता है, ग्रोथ नहीं करेगा। तो दोस्तों आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, संगोनियम का भी पौधा लगाइए। ये देखिए ड्राई सीनिया के पौधे को दोस्तों आप कम से कम 12 इंची पोट में लगाइए, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसके साइड से भी ब्रांच निकलते हैं और ये बहुत अच्छा पौधा है दोस्तों। छाया में रखिए, गर्मियों में तेज़ धूप में नहीं चलेगा, जल जाएगा, शेड में रखिए बहुत अच्छा चलेगा, मिट्टी सूखे जब पानी दीजिए, ड्राई सीनिया का पौधा बहुत शानदार है, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। ये देखिए दोस्तों ये बेबी करोटोन अभी आप लगाते हो तो सर्दी में दोस्तों इसमें दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, मिट्टी सूखे जब पानी देना, दिक्कत ये आएगी ज़्यादा सर्दियों में ये पत्ते छोड़ देता है,
पत्ते छोड़ देता है दोस्तों। पत्ते क्या करना है आपने, मिट्टी सूखे जब पानी देना, इसको थोड़ा शेड में रखिए तो पत्ते में बहुत बचाव होगा और पत्ते भी छोड़ देता है। तो जैसे ही फरवरी का महीना आएगा फिर इसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, आप उस टाइम गुड़ाई करके खाद वगैरह डालिए गोबर की, आसानी से फुटाव ले लेगा। पत्ते छोड़ देता तो इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, खाद ना डालें, परमानेंट पौधा पूरा साल चलता रहता है। ड्राई सीनियर सनोफ इंडिया दोस्तों, ये भी सर्दी में इसमें भी दिक्कत आएगी, आप इसको कम से कम 10 इंची पोट तो दीजिए, उसमें आसानी से चलेगा। बढ़िया मिट्टी बनाइए जैसी मिट्टी हमारे पास है, ज़्यादा केमिकल मत डालिए। सर्दियों में दोस्तों इसके भी पत्ते झड़ जाते हैं, दिसंबर जनवरी में, फरवरी में इसमें भी पत्ते आ जाएंगे। मेरा मानना ये है, आपका मानना भी ये हो जाएगा, जब आप इसके पत्ते छोड़ता तो उस टाइम खाद पानी कम डाला करो, और फरवरी में जैसे मौसम चेंज होगा सबके पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करें, जब पत्ते छोड़ता पानी कम दीजिए, खाद कम दीजिए, तो सनोफिलिया का पौधा अपने आप चलता रहेगा, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करें। और ये दोस्तों क्रोटोन तो मैंने बता ही दिया, ये बंगलोरी क्रोटोन, इसके साथ भी ऐसे ही करना है, कम से कम इसको 10-12 इंची पोट में लगाइए, सर्दियों में पत्ते छोड़ने शुरू कर देगा। अगर आप इसको शेड में रखोगे तो पत्ते नहीं छोड़ेगा, अगर ओपन में रखोगे तो पत्ते छोड़ देगा, मरेगा नहीं। फरवरी में फिर पत्ते आ जाएंगे, मिट्टी सूखे जब पानी दीजिए, केमिकल मत डालिए, गोबर की खाद डालिए, बहुत शानदार पौधा पूरा साल चलेगा। रबड़ प्लांट, वेरिकेटेड रबड़ प्लांट, बहुत हार्डी पौधा है दोस्तों, कम से कम 12-14 इंची पोट में लगाइए, ये बड़े पोट का पौधा है, मगर हम लगाएंगे इसको 10 इंची में, क्योंकि बंदे ने जैसे बोला उसको हमने राय दी, नहीं माना तो हमारा क्या है। ये दोस्तों ओपन में रखिए आप, जैसे जैसे सर्दी आए ओपन में रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप शेड में मत रखिए, खुले का है, ये आउटडोर पौधा है दोस्तों, अप्रैल मई जून में इसको शेड में रखना, और सर्दियों में कहीं भी रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत शानदार पौधा, हार्डी पौधा है। और देखिए दोस्तों स्नेक प्लांट, ये तो अभी आपने खूब लगाना चाहिए, प्रदूषण है उसको भी कवर करता है, ऑक्सीजन देता है, इसको आप गैलरी में रखिए, आपको ऑक्सीजन देगा, और ओपन में रखोगे वहाँ भी चलेगा। अगर आप इसको अंदर रखते हो ना, 6 दिन अंदर रखिए, 7वें दिन प्लीज़ बाहर निकालिए, सीधी सनलाइट में निकालिए, सर्दों में इतनी धूप तो आती नहीं सर्दियों। इसका क्या है, खाद नहीं डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें, मिट्टी सूखी सूखी रखें, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाता रहेगा। अगर आप इसको 10 इंची में लगाओगे उसमें भी चलेगा, 12 इंची में लगाओगे तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसकी ब्रांचों की संख्या बढ़ जाएगी, इसको आप 6 इंची में भी लगा सकते हैं। देखिए कितना शानदार चल रहा है, 6 इंची में, 1 साल हो गया इसमें। एरिका पाम दोस्तों, एरिका पाम का पौधा आप अभी लगा रहे हो तो कम से कम 12 इंची पोट लीजिए, इसको दोस्तों गैलरी में रखिए, ओपन में रखिए, अंदर रखते हो तो दोस्तों 6 दिन अंदर, 7वें दिन प्लीज़ बाहर निकालिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, ये अंदर मत रखना। और सर्दियों में इसको अगर आप खुले में रखोगे तो इसके पत्ते थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाएंगे जैसे गर्मी में होते हैं, और गैलरी में अपने बालकनी में छज्जे के नीचे रखोगे तो उससे बचेगा, तो पत्ते हरे भरे रहेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी सूखे जब पानी, गीले में गीला ना करें, एरिका पाम के पौधों में ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करें, 3 महीने में गोबर की खाद डालें, आसानी से चलता रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों ग्रीन वाला स्नेक प्लांट, बड़े गमले में लगाओगे फैल जाएगा, छोटे में रखोगे कम फैलेगा, मरता नहीं है, तो आप ऐसे इन पौधों की केयर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो 10-15 प्रकार के पौधे दिखाए ना, मैं अभी गमलों में लगा के दिखाऊंगा, मैंने इनके बारे में आपको जो जानकारी दी, अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाइए। और चलिए दोस्तों पौधे लगाना शुरू करते हैं, ऐसे बताएंगे तो दोस्तों वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। ये देखिए शुरू करते हैं लगाना, सबसे पहले पत्थर रखिए, ये मैंने पत्थर रखा और ये वही मिट्टी है, आज अब हमारी ख़त्म हो जाएगी 20-22 गमलों में। ये देखिए ऐसे मिट्टी भरिए, इस मिट्टी में दोस्तों 6 महीने खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सबसे पहले हम स्पाइडर प्लांट को ही लगाएंगे, ये देखिए दोस्तों पत्थर वगैरह इसमें निकाल देते हैं, ये देखिए अगर आप दिवाली पर अपने घर को सजाना चाहते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पौधों से आसानी से सजा सकते हैं। ये देखिए कोई केमिकल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, नॉर्मल खाद में भागने वाले पौधे, ये देखिए मैंने लगा दिया, ये यहां रख देते हैं। अब दूसरा गमला लेंगे, पत्थर रखिए, अभी लगाएंगे कोयल का,
बड़ी मिट्टी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने भर दिए दो गमले, बाकी गमले में भर के दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये लखा जी आगे हैं, ये इस रिक्शा में जाएंगे 20-22 गमले, ये भी आगे हैं। अब मैं लगा के दोस्तों बाकी काम मैं बाद में करूंगा, एक बार लगा के दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों भरते हैं और फिर मैं पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने बड़ी ईमानदारी से ये खाद डाल डाल के और ये भाई साहब के 22 पौधे लगा दिए मैंने, देख रहे हो। देखिए एरिका पाम, देख रहे हो। अब ये उनके ऑफिस की या घर की शोभा बढ़ाएंगे, और इनमें मैं उनको बताऊंगा कि मिट्टी सूखे जब पानी डालना, और अब जाते ही 2 राउंड पानी की लगाना। अब अभी हम पानी नहीं देंगे क्योंकि गाड़ी में लोड होंगे तो हिल के खराब हो जाएंगे। और दोस्तों ये जितने भी पौधे मैंने लगा के दिखाए ना, सारे परमानेंट पौधे हैं। सर्दी में कुछ पौधों के पत्ते थोड़े डगमगा जाएंगे, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। फरवरी में फिर आ जाएंगे, और इनमें ऐसा कुछ नहीं करना। मिट्टी सूखे पानी खुली धूप में रखिए, ओपन में रखिए, गैलरी में रखिए। अगर इनमें से इनडोर आप रखते हो तो 6 दिन अंदर रखिए, 7वें दिन बाहर रखिए, और इनमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये 20-22 पौधे जो है ना, आपके घर की, आपके बाग बगीचे की शोभा बढ़ाते रहेंगे और उनकी खूब ग्रोथ होगी। एक भी पौधा ऐसा नहीं जो खराब होगा। खराब कब होगा? जब हम केमिकल डालेंगे। तो आप ये जो मैंने 10-12 वैरायटी के पौधे लगाए हैं, आप अपने घर में लगाइए। अपने घर को दिवाली से पहले दोस्तों हरा भरा और सुंदर बनाइए, और दोस्तों कम खर्चे में, कम लागत में आप अपने घर को हरा भरा बना सकते हो। और बहुत ही हार्डी पौधे हैं ये, टिकाऊ पौधे हैं, आपने सब ने लगा भी रखे होंगे। अगर आप इनमें सर्दियों में कुछ हरकत करते हो, DAP यूरिया जिंक पोटाश डाल देते हो तो ये गल जाएंगे। मिट्टी सूखे जब पानी, गोबर की गली छड़ी खाद, इससे बढ़िया कोई खाद नहीं है। ऐसे डाल के रखोगे तो आपका पौधा शानदार रहेगा, अटल रहेगा, और दोस्तों हरा भरा रहेगा। और ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को नॉलेज है इन पौधों के बारे में। आप ऐसे ऐसे पौधे लगाइए और अपने घर को हरा भरा सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद। और चलिए दोस्तों अब इनको लोड करते हैं। ये देखिए सवारी तैयार हो गई है, ये लखा जी की टमटम आ गई। लाइए जी, लाइए आगे।